फॉरेन फंडेड एनजीओज और एकेडेमिया आउट, आप एफसीआरए को अमेंड करेंगे, आप ऐसा वायदा कर रहे हैं जो क्योंकि हम तो 5 साल से ये मुहिम चला रहे हैं, जो ये बंद कीजिए, देखिए क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे बड़ी ताकतें। अच्छा मैं खबर पहले खबर देती हूँ, स्मृति ईरानी आगे चल रही है अमेठी से, स्मृति ईरानी 8,000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रही है अमेठी में, राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी ने जो बढ़त है वो 8,000 से ज्यादा वोटों की अभी फिलहाल बना लिया। वायनाड से तो राहुल गांधी आगे चल रहे हैं लेकिन अमेठी से राहुल गांधी पिछड़ रहे हैं 8,000 वोटों से। जी ये सबसे बड़ा उलटफेर होगा अगर राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं तो, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है देश में, ये बहुत बड़ा संदेश होगा। और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका एक रिएक्शन अभी ले लेते हैं। सुधांशु जी योर फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अमेठी। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अमेठी और रायबरेली ऐसी सीटें रही हैं, अमेठी कांग्रेस एक बार 1998 में हारी है भारतीय जनता पार्टी से, पर तब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ा था, तब कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे। परंतु अगर पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अमेठी में पिछड़ता दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह संकेत है कि जिन मुद्दों को आधार बनाकर, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूँ, विगत 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति की जा रही थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उस आधार को बदलने में सफलता हासिल की है, यह संकेत इन रुझानों से साफ दिख रहा है। जी सुधांशु जी एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब लगातार सुबह से अपने टीवी से चिपक कर देख रहे होंगे, बहुत बड़ा दिन है आज। और बीजेपी गठबंधन 337 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और नरेंद्र मोदी अब अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये सारे टैली आपको बताएं, आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि अगले कुछ घंटों में, यानी हो सकता है 48 घंटे 72 घंटे, आप क्या देखने वाले हैं? नरेंद्र मोदी की ओथ प्रधानमंत्री के तौर पर आप दोबारा देखने वाले हैं, लेकिन उसका एक रिप्ले मैं आपको दिखा देता हूं। और ये जो रिप्ले दिखा रहा हूं, ये ही भविष्य है। देखिए, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित